आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है उसके साथ खड़े होने से अच्छा है कि अकेले रहो। आचार्य चाणक्य के इस कथन का अर्थ है कि मनुष्य को न केवल अपने बल्कि दूसरों के रिश्तों की भी कद्र करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है उसका साथ देने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। असल जिंदगी में आपको हर तरह के स्वभाव वाले व्यक्ति मिलते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात होती है जो अपने रिश्तों की तो बहुत कद्र करते हैं लेकिन सामने वाले के रिश्तों को बिल्कुल काउंट नहीं करते, यानी कि उनके लिए सामने वाले के रिश्ते मिट्टी बराबर होते हैं। उनकी नजरों में सामने वाले के रिश्तों की कद्र शून्य होती है, हालांकि वो ये जरूर चाहते हैं कि उनके रिश्ते की कद्र हर कोई करें। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को अपने अलावा दूसरों के रिश्तों की भी कद्र करनी चाहिए। ऐसा करके न केवल आप सामने वाले की नजरों में इज्जत पाते हैं बल्कि आपको सराहा भी जाता है। इसके साथ ही सामने वाला अपनी बात भी कहता है। ये तो आपने कई लोगों से कहते सुना होगा कि कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। अगर आप सामने वाले के रिश्तों की कद्र नहीं करेंगे तो सामने वाला भी आपके रिश्तों की कद्र क्यों करेगा। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है उसके साथ खड़े होने से अच्छा है कि अकेले खड़े रहें। ज्यादा सोचना बंद कैसे करें? जिंदगी में आपका भी ध्यान नहीं लग रहा। ज्यादा सोचने की वजह से बार बार आपको घबराहट होती है और आपका हृदय भी जोर जोर से धड़कता है और बार बार निगेटिव विचार आपके भी दिमाग में आते हैं। तो इस ज्यादा सोचने वाली बीमारी से बचने के लिए और इस बीमारी को दूर करने के लिए आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से इस समस्या का हल बताएंगे। तो आज की इस कहानी को पूरा देखें ताकि आप भी इस कहानी को सुनने के बाद आपकी समस्या से छुटकारा पा सके। तो चलिए आज के कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव के पास बहुत बड़ा मठ था जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने महात्मा से कहा, हे गुरुवर, मैं खुद को जानना चाहता हूं। मैं सच की तलाश कर रहा हूं। मैं पता लगाना चाहता हूं कि सच क्या है। महात्मा ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, हां गुरुवर, मैं यहां पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूं। मैं इसके लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम एक कम करो। इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटने का ही काम करो और जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ। फिर अगली सुबह उठकर चावल को कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना, किसी और चीज के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए वो बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता था। जब वो थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता था जहां वो चावल कूटता था। वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वो अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों बाद तो वो अपना नाम तक भूल गया। वो हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल को कूटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते थे 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन महात्मा ने घोषणा की, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद इस मठ का मुखिया होगा। इसीलिए मेरा कोई भी शिष्य हो जिसे लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और उसने खुद को जान लिया है तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखें जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा,
पर मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वो इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है, जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब महात्मा उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ ने सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य से जिसने ये लिखा था वो चुप रहा, हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थीं वो ज्ञान से भरी थीं, लेकिन ये सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था, उसने पंक्तियां लिखी पर उसने नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वो स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि ये सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। ये घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए दो शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहां आया था और दिन रात चावल कुटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वो धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्यों ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। दोनों शिष्यों की नजर में वो चावल कूटने वाला तुच्छ भिक्षु था। किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था, ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझते थे जो बस चावल को ही कूटता रहता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए वो दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। उसने जवाब दिया, मैं इसीलिए हंसा कि गुरुवर सही बोल रहे हैं। ये सब पंक्तियां कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो। चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन हां, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं। अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वो गुरुवर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उसे दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया कि चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि गुरुवर इस पर भी गुस्सा करेंगे, जो पंक्तियां उसने लिखने के लिए कहा था। बहुत अद्भुत थी वो पंक्तियां। मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहां ठहरेगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया। जब गुरु ने ये पंक्तियां देखी तो वो आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। उस समय वो सो रहा था। महात्मा ने उसे जगाया और कहा कि ये लो, मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वो सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है। तुम्हें ये सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ है और मुझे पता है कि तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहां से चला गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है, अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे अपनी शिद्दत से करें कि आपको आपके शरीर का ख्याल भी ना रहे। बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह, जो चावल कूटने में इतना मगन हो गया कि उसको खुद का कोई ख्याल ही नहीं रहा। उसने चावल कूटते हुए ही उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना। मन तब तक ही है जब तक विचार है। जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह से खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इस कदर से लीन हो जाओ कि आपका काम भी ध्यान बन जाए। ज्यादा सोचने वाले लोगों के लिए दूसरी रहस्यमय कहानी
अब हम आपको बताएंगे, तो चलिए कहानी की शुरुआत कर। एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने के मामले में एक्सपर्ट था। यानी कि जहां कहीं भी ताले तोड़ने की बात आती थी या लॉक को खोलने की बात आती थी तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाही और उसको बता दिया गया कि आपको इस जगह पर इस तारीख को आना है और ताले को तोड़ना है। जब वो समय के अनुसार तय दिन को वहां पहुंच गया तो उसको प्रतियोगिता के नियम समझा दिए गए। आपको एक बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा। आपको ताला खोलकर बाहर आना होगा। इस बीच आपको लगता है कि लोग आपसे नहीं खुल पाएगा तो आप इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता में हार जाएंगे। उसने सभी नियमों की हां कर दी और पानी में चला गया। जैसे ही वो पानी में पहुंचा तो उसने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद वो बार बार सफल हो रहा था, लेकिन उससे लॉक नहीं खुल रहा था। अब ज्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि सांस रोकना आसान नहीं था। फाइनली उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया और वो विफल हुआ और उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पानी के ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला गया और हल्का सा धक्का देकर खोला गया। वो अचंभित हो गया कि एक बार भी मेरे दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर खोलूं। हो सकता है कि यह लॉक ही ना हो। तो यही होता है जब हम भी बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी ना सोचने से भी जवाब मिल जाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। जी हां दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। कभी कभी दिमाग को जब हम शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें बेहतर समाधान मिल जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ज्यादा सोचने की इस बीमारी के मुख्य कारण क्या है जिससे आपको ज्यादा सोचने की बीमारी हो जाती है। अत्यधिक सोचने के कुछ मुख्य कारण हैं। पहला कारण, वर्तमान से ज्यादा भूतकाल या भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करना। आप जो काम अभी कर रहे हैं उससे ध्यान हटाकर अपना ध्यान बीते हुए समय या आने वाले समय पर लगाएंगे तो आप ओवरथिंकिंग के शिकार होते जाएंगे। दूसरा कारण, काम का ज्यादा तनाव होना। जब वर्कलोड ज्यादा होता है तो दिमाग भी तेजी से चलने लगता और ये तनाव का रूप ले लेता है और दिमाग में वो विचार भी आने लगते हैं तो काम से संबंधी नहीं है और लोग ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। तीसरा कारण, डर का बना रहना। जब व्यक्ति के अंदर डर होता है, जैसे नौकरी छूट जाने का डर, प्रमोशन ना होने का डर, काम में असफल हो जाने का डर, पैसे ना मिलने या डूब जाने का डर, व्यक्ति इस डर को लेकर कल्पना करता रहता है। भले ही ऐसा न होने वाला हो लेकिन धीरे धीरे ये डर उसे जरूर से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। चौथा कारण, कॉन्फिडेंस की कमी। जब व्यक्ति में किसी काम को करने के प्रति उलझन बनी रहती है तो कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, जिसके चलते नकारात्मक विचार दिमाग को घेरना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति ज्यादा सोचने और चिंता करना शुरू कर देता है। पांचवा कारण, चीजों के बारे में सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक विचार। जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों के नकारात्मक पहलू के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे व्यक्ति ओवरथिंकिंग का शिकार होता जाता है। क्या ओवरथिंकिंग यानी अत्यधिक सोच से छुटकारा पाया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल। ओवरथिंकिंग यानी अत्यधिक सोच से छुटकारा पाया जा सकता है। हालांकि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यदि आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से यकीनन छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ओवरथिंकिंग की समस्या से छुटकारा कैसे पाएं। ओवरथिंकिंग यानी अत्यधिक सोच से छुटकारा पाने के उपाय, ये सब जानते हैं कि पहले विचार दिमाग में आता है फिर वो क्रिया का रूप लेता है। हमें कोई भी काम सोच समझकर करना बहुत जरूरी है, पर किसी काम को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचने और वो बातें भी सोचें जो काम से संबंधित नहीं है, आपको और आपके काम दोनों को नुकसान पहुंचता है। तो थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम है और इस काम को करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं ओवरथिंकिंग यानी अत्यधिक सोच से छुटकारा या काम करने के उपाय का पहला उपाय। स्वीकार करें कि आप जरूर से ज्यादा सोचते हैं। इस बात को मन से स्वीकार करें कि आप ज्यादा सोचते हैं और आपको ऐसा नहीं करना है।
जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। आप ओवरथिंकिंग को लेकर जागरूक हो जाएंगे। जब भी आपको लगे कि दिमाग में फालतू विचार चल रहे हैं, तुरंत उसे वहीं रोक दो और ये सोचना शुरू करो कि आपने सोचना कहां से शुरू किया था। तब आपको मालूम होता जाएगा कि आप कितनी फालतू की बातें सोचकर अपना समय और शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा उपाय, हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। क्या गलत हो सकता है कि किस जगह क्या अच्छा हो सकता है सोचें। नकारात्मक विचार डराते हैं और आपका दिमाग चिंता से दौड़ने लगता है। जब आप उन नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जो कहीं हो गई, तो तब आप दिमाग के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो दिमाग आपका गुलाम होता है। सकारात्मक रहने का मतलब यह नहीं है कि आप चीजों के सिर्फ एक पहलू को देखें, बल्कि सही और गलत दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। पर केवल नकारात्मक सोचना या ज्यादा नकारात्मक विचार आपके अनुचित सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तीसरा उपाय, योग ध्यान और व्यायाम करें। योग ध्यान और व्यायाम मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ध्यान काफी लाभदायक है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। चौथ उपाय, वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करो। कभी कभी लोग बीती हुई बातों या घटना के बारे में ही सोचते रहते हैं और तनाव में आ जाते हैं। इसी प्रकार जो समय आने वाला है उसे लेकर भी इतनी चिंता करते हैं, तनाव में रहते हैं। तनाव दिमाग में हावी हो जाता है और फालतू बातें सोचने लगता है। जो समय बीत गया है उससे सीख लो, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप वर्तमान में रहे। इसलिए आप जो अभी कर रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी पर लगाओ। पांचवा उपाय, जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लो। आपके सोचने के तरीके और आपके महसूस करने के तरीके के बीच एक मजबूत संबंध है। आपके सोचने का तरीका आपकी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है और आपकी भावनात्मक स्थिति आपकी सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। तो जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख ले। अब उस बात के बारे में ये लिखना है कि ये आपको क्यों परेशान कर रही है। अब अपने आप से प्रश्न करें कि क्या इस समस्या का हल परेशान रहना है। यदि नहीं तो उसका हल ढूंढे, और यदि इसका कोई हल नहीं है तो परेशान रहने और सोचते रहने से क्या होगा। जब धीरे धीरे आप ऐसा करेंगे तो इस चीज की आपको आदत पड़ जाएगी और आप अनावश्यक सोचना बंद कर देंगे। छठ उपाय, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। भावनाओं पर नियंत्रण रखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हकीकत को देख पाते हैं। अनियंत्रित भावनाएं दिमागी विचारों को बेफिजूल गति प्रदान करती हैं। सातवां उपाय, चिंता नहीं चिंतन करें। चिंता ओवरथिंकिंग को जन्म देती है और चिंतन क्रिएटिविटी को जन्म देता है। फालतू सोचने की जगह कोई कहानी, कोई लेख, कविता या कुछ रचनात्मक सोचें। आठवां उपाय, अपने पसंद की चीज करें। जब भी आप फ्री हो तो कोई भी ऐसा काम करो जिसे करना आपको अच्छा लगता हो। किताबें पढ़ना, गाने सुने, गाने गाए, घूमने जाएं। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलें, अपने दोस्तों से साथ समय व्यतीत करें। नौवां उपाय, अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें। जब आप ज्यादा सोचते हैं तो ना चाहते हुए भी आप नकारात्मक बातें सोचते हैं और अपने आप को औरों से कम आंकने लगते हैं। याद रखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो आप है, आप जैसा कोई नहीं है। लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान देने की बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे और पॉजिटिव रहे। दसवां उपाय, मन को शांत रखें। आधुनिक जिंदगी भाग दौड़ और तनाव भरी है। अधिकतर लोगों के साथ तनाव में बने रहना इतना सामान्य हो जाता है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे तनाव उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। जब मन अशांत होता है तब नकारात्मक और बेफिजूल के विचार हमारे दिमाग में घर करने लगते हैं। यदि आप ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने मन को शांत रखें।